हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आचार्य जी चैनल पर। मैं आज आपको बताने वाला हूं, असम का छठा नेशनल पार्क जो है घोषित किया जा चुका है। असम में अब तक 5 नेशनल पार्क थे, लेकिन छठा नेशनल पार्क जो है घोषित किया गया है, उसका नाम जो है रायमोना नेशनल पार्क जो है असम का छठा नेशनल पार्क बन गया है। अब तक असम में 5 नेशनल पार्क थे, उनके यदि मैं आपको नाम बताऊँ, काजीरंगा नेशनल पार्क असम में ही स्थित है। वो किसके लिए प्रसिद्ध है? एक सींग वाला जो गैंडा होता है उसके लिए काजीरंगा नेशनल पार्क आपका प्रसिद्ध है। उसके साथ ही मानस नेशनल पार्क हो गया, नामेरी नेशनल पार्क हो गया, ओरंग और डिब्रू साइखोबा नेशनल पार्क, ये भी आपके असम राज्य में ही स्थित हैं। तो डिब्रू साइखोबा जो नेशनल पार्क है वो क्यों प्रसिद्ध है? अभी हाल ही में यहां पर मंदारिन बतख जो कि लगभग 100-200 वर्षों के बाद देखी गई थी। तो मंदारिन बतख जो कि सबसे ज्यादा खूबसूरत बतख होती है, ये आप देख सकते हैं, ये जो है उसमें देखी गई थी। इसके अलावा मैं और नेशनल पार्क के बारे में बात करूं, असम के तो मैंने आपको बता दिए 6 नेशनल पार्क हो गए। आप याद रखिएगा, काजीरंगा, मानस, नामेरी, ओरंग, डिब्रू साइखोबा और ये रायनोमा छठा नेशनल पार्क असम राज्य का बना है। इसके अलावा मैं आपको और नेशनल पार्क और राज्यों के यदि आपको बताऊं, जैसे उत्तर प्रदेश की यदि बात करें तो उत्तर प्रदेश में एक ही नेशनल पार्क स्थित है जिसका नाम दुधवा नेशनल पार्क है। यदि मैं आपको बताऊं भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान, पहला नेशनल पार्क कौन सा था, वो आपका था आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो कि उत्तराखंड में स्थित है। इसको हम हेली नेशनल पार्क के नाम से भी जानते हैं। 1936 में जो है कि इसकी स्थापना हुई थी। यदि आपसे पूछा जाए भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है, तो वो हेमिस नेशनल पार्क है जो कि लद्दाख में स्थित है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा यदि आपसे पूछा जाता है भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क कौन सा है, तो वो है आपका साउथ बटन नेशनल पार्क। ये कहाँ पर स्थित है? ये अंडमान एंड निकोबार में साउथ बटन आपका नेशनल पार्क स्थित है। इसके अलावा पूरे भारत के जो भी नेशनल पार्क हैं सभी राज्यों के, मैं आपको कंप्लीट वीडियो में जो है पूरा आपको एक ही बार में करा दूंगा। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट जो नेशनल पार्क हैं के बारे में बता देता हूं, जैसे राजस्थान में आपका मुकुंद्रा हिल्स हो जाता है। इसके अलावा अगर गुजरात की बात करें तो आपका एशियाटिक लॉयन के लिए गिर नेशनल पार्क जो कि प्रसिद्ध है। नीचे थोड़ा महाराष्ट्र में यदि आते हैं तो यहां पर संजय गांधी नेशनल पार्क है और टडोबा नेशनल पार्क भी यहीं पर है। कर्नाटक की यदि मैं बात करूं तो कर्नाटक में अंशी, बांदीपुर, बन्नेरघट्टा, कुद्रेमुख और नागरहोल ये आपके कर्नाटक में हो जाते हैं। केरल राज्य की यदि मैं बात करूं तो केरल राज्य के जो नेशनल पार्क हैं, पेरियार नेशनल पार्क यहीं पर स्थित है, साइलेंट वैली भी यहीं पर है और एराबिकुलम भी यहीं पर है। इसके अलावा तमिलनाडु के बारे में मैं यदि आपको बताऊँ तो अन्नामलाई, मुकुर्थी ये सब जो है तमिलनाडु में स्थित हैं, याद रखिएगा। उड़ीसा राज्य के बारे में यदि बताऊँ मैं आपको तो भितरकनिका हो जाता है आपका, और सिमलीपाल जिसमें अभी में आग लगने के कारण चर्चा में रहा था, वो भी आपका उड़ीसा राज्य में ही स्थित है। तो सभी नेशनल पार्क जो हैं ये मैंने मोटा मोटी आपको बताए, लेकिन पूरे नेशनल पार्क की वीडियो जो है मैं आपको इसी आचार्य जी चैनल पर प्रोवाइड करा दूंगा। चलिए, थैंक यू दोस्तों, गुड बाय एंड हैव ए नाइस डे।